हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। कैसे बानी आप सब? उम्मीद बा बढ़िया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बनाते हैं बिल्कुल गांव वाले तरीके से, देसी स्टाइल में और भैंस के दूध से इनरी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। ले इसे बनाना भी बहुत सिंपल है, आसान है। और अभी जल्दी मैंने वीडियो एक डाली हुई थी जिसे अलग तरीके से बनाया था, आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल ही सिंपल और गांव वाले तरीके से, तो जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमने दूध लिया है, ये दूध भैंस का दूध है और अगली वीडियो में हमने गाय के दूध के साथ बनाया हुआ था। और इस दूध को हमने छान लिया है पहले से, बिना छाने इसे नहीं बनाते, और इसे पहले से छान के हमने ले लिया है। और इसमें हम डालेंगे ये गुड़, देसी गुड़ है, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा इस गुड़ के बारे में। और ये दाने वाले गुड़ है, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। जितना मीठा आप पसंद करेंगे उस हिसाब से इसमें गुड़ लेना चाहिए। और इसमें मैं इतना गुड़ डाल के और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि ये दानेदार गुड़ है तो इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे इस गुड़ में कुछ है नहीं, और ऐसे ही मिलाते अगर मुझे लगा कि इसमें कुछ है तो मैं इसे दोबारा से छान लूँगी। और इस तरीके से गुड़ को हमने मिला लिया है। आज हम इसे गुड़ के साथ बना रहे हैं। अगली वीडियो में हमने चीनी के साथ बनाया हुआ था, तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखिए इसमें कुछ भी नहीं था और गुड़ एकदम फ्रेश था। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लिए, क्योंकि इसे गैस पर रख के और मिलाते नहीं हैं, इसे जब गैस पर रख दिए तुरंत से ही जमना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम इसे गैस पर तुरंत चढ़ाएंगे और तुरंत इसमें जो है काली मिर्च कूट के, हमने घर पे कूट के डाले हैं, और आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे हम डाल के तुरंत इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे इसे, तो मतलब थोड़ा भी लेट करके नहीं मिलाना है, तुरंत मिलाना है। और इस तरीके से मिला के हम इसे ढक के रख देंगे और आँच को कम करके रखेंगे ताकि ये आराम से पके और ज़्यादा जले ना। और देख सकते हैं यहाँ पे इनरी जो है हमारी पक के तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया से बनी है और बहुत अच्छे से जम के तैयार हुई है। ये भैंस के दूध की है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। और देख सकते हैं कितने बढ़िया से जमी है इनरी। आप चाहें तो इस पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अगली वीडियो मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाई हुई थी और अब की बार मैं उससे अलग बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स कोई नहीं डाले, बस काली मिर्च के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें सौंफ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और काली मिर्च की जगह। तो अब हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक पलटा लिया हमने और उसी से इसको इस तरह से कट कर देंगे। चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे पलटे से ही इस तरीके से कट करके और निकाल के आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी और कितना बढ़िया इनरी हमारी जम के तैयार हुई है। और इसे हमने कढ़ाई में बनाया है और इसे हम अगली वीडियो में हमने भाप के द्वारा बनाया हुआ था, यानी कि स्टीम किया था। इसमें इसे हमने स्टीम अगली बार नहीं किया है। तो ये तरीका आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, बहुत पसंद आएगा। और देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारी इनरी जो है बन के तैयार हुई है। अगली वीडियो में हमने आप लोगों से पूछा भी था कि इसे आप लोग के यहाँ क्या नाम से जानते हैं या फिर क्या कहते हैं इसे, तो बहुत सारे लोगों ने अपना सुझाव या फिर जो कहिए अपना मतलब बताया कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और जानकर अच्छा लगा और मुझे भी पता चला कि इसके क्या क्या नाम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गांव में इसे इनरी ही बोलते हैं या फिर इनर बोलते हैं। और देखिए गुड़ के साथ हमने इसे बना के तैयार किया। बहुत से दोस्तों ने बोला था गुड़ के साथ उन्हें बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने भी सोचा गुड़ के साथ ही मैं इसे बना के और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये इनरी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।